नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि सीबीएसई की ओर से कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए एक ऐसा फैसला लिया गया है कि 10वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द किया गया है और जो 12वीं की परीक्षाएं हैं उसको पोस्टपोन किया गया है। उसमें एक रिव्यू किया जाएगा जून के महीने में। लेकिन ये सब जानते हैं कि बच्चों की जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई उसमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स पर भी काफ़ी स्ट्रेस आया, क्योंकि काफ़ी टाइम जो उनको डिवोट करना पड़ा घर में बच्चों के साथ। आज जब ये पेपर जब है रद्द किए गए हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं हम बात करेंगे। हमारे साथ मैम वरुणा आनंद हैं, जिनकी बेटी जो है सीबीएसई 10th क्लास के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाली थी। मैम, जब ये डिसीजन आया तो आप कैसे देखती हैं इसको? जी, मैं तो ये डिसीजन वेलकम करती हूँ, क्योंकि देखिए इन्होंने क्लास 10th के रद्द करे हैं और 12th के इन्होंने कहा है कि ये एग्ज़ाम्स करेंगे। 12th एक ऐसा क्लास है बच्चों के लिए कि उसके बाद उन्होंने कॉलेज में जाना होता है, तो एग्ज़ाम्स करने बहुत ज़रूरी होते हैं। एक बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे कॉलेज में एडमिशन इसलिए नहीं मिली क्योंकि मुझे प्री बोर्ड में पूरे मार्क्स नहीं आए और मैं बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकती थी। क्या हो जाता है, ये पैंडेमिक जो है ये एक बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है। ये 100 सालों के बाद आई है, किसी ने पैंडेमिक पहले देखा नहीं है। जो अनयूजुअल सिचुएशन होती है उसके अनयूजुअल रिजल्ट्स भी होते हैं जी। ये पहली बारी हिस्ट्री में देखा होगा कि जी 10वीं के बच्चों के क्लास के एग्ज़ाम्स ही रद्द कर दिए गए हैं, पर सिचुएशन ही ऐसी अलार्मिंग है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक तरीके से कंट्रोल करने का, जिस तरीके से इसका स्प्रेड हो रहा है, कंट्रोल करने का मैं नहीं कहती कि और कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, पर बच्चों को रिस्क पे डालना, और पर्टिकुलरली ये जो सेकंड वेव आई है जिसमें ये कह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखिए हम में से बड़े लोग तो वैक्सीन ले जा रहे हैं पर फिर भी रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। सो मैं ये डिसीजन वेलकम करती हूँ। रिस्क फैक्टर तो हाई है, लेकिन इसके साथ साथ जहां आपको लगता है कि एक तरफ तो पॉलिटिकल रैलीज़ भी होती हैं, जो आप देख सकते हैं कुंभ का मेला भी है, बाकी चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रायोरिटी में अब एजुकेशन नहीं है गवर्नमेंट के लिए? जी, ये आपने बात बिल्कुल सही बोली है और ये एक ऐसी बात है जो आज की डेट में हर आदमी सोच रहा है। पर देखिए, अब ये गवर्नमेंट की डिसीजंस हैं, हम में से कोई इनकी डिसीजंस ले नहीं सकता। हम एज अ सिटीज़न या एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन यही करते हैं कि खुद भी घर पे रहते हैं, ज़्यादा जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ नहीं जाते हैं और बच्चों को भी उसी तरीके से रोकते हैं। ये जो रैलीज़ वगैरह हो रही हैं, आई गेस लॉट ऑफ केसेस वुड बी गोइंग अनरिपोर्टेड। ऐसे तो हो नहीं सकता कि इसी रैलीज़ में कोविड नहीं होता और सिर्फ बच्चों ने एग्ज़ाम देने जाना है तो वहाँ पर कोविड हो जाएगा। पर हाँ, एज अ पेरेंट बहुत घबराहट रहती है। पिछले साल मेरी बड़ी बेटी ने 10th का बोर्ड देना था, तो जब वो बोर्ड दे रही थी इनका लास्ट पेपर कैंसिल कर दिया गया था जो इनका कंप्यूटर पेपर था। पर जो स्ट्रेस लेवल्स हमारे होते थे बच्चों को वहाँ पर सेंटर पर छोड़ने के लिए, और कहना आसान है कि जिस सोशल डिस्टेंसिंग होती है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग जब आपके पास 500 बच्चे एक सेंटर में बैठे हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। तो एग्ज़ाम्स के इस रूप में तो मैं कहूँगी हमारे बच्चों को रिस्क पे डालना, आई डोंट थिंक इट्स फेयर ऑन द चिल्ड्रन, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, कई एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की कि हमारे बच्चे का जो परसेंटेज है वो इतना आना चाहिए। आपको लगता है कि वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं अगर उसमें कम आता है, क्योंकि मास प्रमोशन में जितने इनके असेसमेंट मार्क्स होंगे वो इनको दिए जाएंगे, तो क्या पेरेंट्स सेटिस्फाइड होंगे उनसे? जी देखिए, इन हिस्ट्री 2020 एंड 2021 विल बी मार्क्ड एज अ ईयर जहां पर बच्चों की तो परफॉर्मेंस आप छोड़िए, बिजनेसेस की परफॉर्मेंस देख लीजिए किस तरीके से गिरी है। जब पूरी इकोनॉमी हमारी इतनी डाउन जा रही है, तो अगर कोई जजमेंट पे बैठेगा बच्चों की परफॉर्मेंस पे, तो आई थिंक वो जो पढ़ा लिखा आदमी है उसकी गलती होगी। ये जो साल निकला है, जिस तरीके से बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा है, मैं बच्चों को भी बहुत शाबाशी दूंगी और पेरेंट्स, मैं टीचर्स को कहूंगी, जो टीचर्स ने कभी ज़िंदगी में ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली हैं, उनका कितना एफर्ट गया है, फिर भी रियलाइज़ करते हैं एक साल में परफेक्शन तो आ नहीं सकती ना, अभी तो ये टीदिंग पीरियड ही है। बच्चों को कहना कि बच्चों को समझ आया है, बच्चों को, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, साथ में क्लासेस चल रही होती हैं, नीचे वीडियो चल रहे होते हैं उनके फ़ोन के ऊपर, तो बच्चों ने क्या पढ़ाई करी है वो तो हमें पता ही है। पर इसमें आई थिंक इस साल के लिए इसको जैसे एक साल मार्क कर देना चाहिए जिसमें कोई जजमेंट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये होगा आपसे कि कोविड-19 पैंडेमिक ने कई न्यू जो है तरीके निकाल दिए हैं,
एक न्यू नॉर्मल आ गया है सामने, क्या पेरेंट्स उसमें स्ट्रेस फील करते हैं या ये वो यूज टू हो चुके हैं उसके? जी मैं आपको बताऊंगी कि मेरी दो बेटियां हैं, दूसरी बेटी अभी 11th में गई है, ये एक बेटी 10th में है, 11th में सॉरी नहीं अब 12th में चली गई है। उसकी कोचिंग क्लासेस होती हैं, कोचिंग क्लासेस में हम भेजते हैं क्योंकि मुझे भी मालूम है उसका 12th है, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, शी मस्ट परफॉर्म टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। तो उस हिसाब से मैं कहूँगी स्ट्रेसेस तो बहुत होते हैं पेरेंट्स को, बच्चों की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस रहा है। ये नहीं मैं कोई स्कूल को, कोई टीचर्स को, किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, सिचुएशन को ब्लेम करूँगी, ये सिचुएशन ही ऐसी रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिचुएशन जो हालात हैं उनको ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि सभी ने अपना एफर्ट डाला है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि पिछले 100 सालों में शायद ये पहली दफ़ा है कि ऐसा पेंडेमिक आया है कि जिसने ना केवल एजुकेशन सेक्टर पर बल्कि हर एक सेक्टर पर अपना इम्पैक्ट डाला है। तो फिर CBSE की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ जो हैं या तो रद्द की गई हैं या पोस्टपोन की गई हैं, इस पर पेरेंट्स क्या सोचते हैं? क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो पेन लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत पेरेंट्स ने ये कहा कि ये बच्चों की पढ़ाई नहीं, ये हमारी भी पढ़ाई है साथ में। तो आज पेरेंट्स क्या सोचते हैं जब 10वीं की परीक्षाएं जो हैं CBSE की रद्द हो चुकी हैं और जो 12वीं की परीक्षाएं हैं उनको पोस्टपोन किया गया है? हमारे साथ डॉक्टर विक्रम हांडा है। विक्रम जी, एज ए पेरेंट्स अब क्या सोचते हैं, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो 12th के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले थे CBSE के, कितना डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए है? Disappointing, that is to say the least. My daughter has been working day and night. She has been burning the midnight oil. But what? The exams have been postponed. Sab kuch khula hua hai hamare desh mein. Religious congregations ho rahi hain. Political rallies ho rahi hain. Sirf bachchon ko ghar mein band rakhna hai. Why can't they go to the schools and give exams? Exams were held last year also during the peak and they can be held at this time also. Schools are very well equipped to handle social distancing and all the COVID norms. So why postpone the exams? We should have the exams. I know the cases are rising, but that doesn't mean that we will stop living. We have to continue living. We have to brave it out. We have to fight it out. We must take precautions, but we must not postpone the exams of the students. आपने सही कहा कि पोस्टपोन नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इसके साथ साथ ही पूरा साल ही अगर देखा जाए, पेरेंट्स ट्यूशन फीस भी देते हैं, हर तरह के जो असाइनमेंट्स हैं बच्चों की, कोई ऑनलाइन क्लासेस तो हुई लेकिन उसके साथ एक्टिविटीज़ भी जो स्कूल की होती हैं वो कंटिन्यू होती हैं, तो एक तरह से आप कहेंगे कि मतलब एक दबाव पेरेंट्स पर किस हिसाब से दबाव होता है? सी पेरेंट्स पर इतना दबाव नहीं होता जितना बच्चों पर होता है। बच्चों ने पूरा साल मेहनत की होती है, मेहनत की होती है एग्ज़ाम्स के लिए कि उसमें वो अच्छे अंक लाएं, उसके बाद वो अच्छे कॉलेजेस में प्रवेश करें, जो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर करें। बट जो मोमेंटम बच्चे का बना होता है पढ़ने में वो टूट जाता है जब अनसर्टेनिटी आती है, जब पता नहीं है कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, तो ये सब बच्चों के लिए एक टॉर्चर है। बच्चा करे तो क्या करे? हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अच्छे से अच्छा करे, लेकिन जब हम बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव डालेंगे तो बच्चा क्या करेगा? है तो बच्चा ही ना। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ने ये एक तरह से उनका ड्रीम होता है कि उनका जो बच्चा है वो साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, लेकिन अगर 12th के एग्ज़ाम नहीं होते हैं, एक मास प्रमोशन दी जाती है, तो क्या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि बच्चे को इस कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, अगर वो फुलफिल नहीं हो पाता है वो भी डिसअपॉइंटमेंट होगा आपके लिए? इट विल बी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी एंड इट विल बी डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल द पेरेंट्स, बिकॉज सब हर एक पेरेंट ये सोचता है कि उसका बच्चा सबसे आगे हो, सबसे अव्वल हो, लेकिन इसका फैसला कौन करता है? एग्ज़ाम्स करते हैं। एग्ज़ाम्स आर बेसिकली अ वे टू कैलकुलेट व्हाट द चाइल्ड हैज़ डन थ्रू आउट द ईयर, और हम उसको अगर मास प्रमोशन करते हैं तो हाउ डू यू सेग्रीगेट विच स्टूडेंट शुड गो टू एम्स और विच स्टूडेंट शुड गो टू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और विच स्टूडेंट शुड गो टू अ प्राइवेट कॉलेज? सो हाउ डू यू गेज दैट? सो फॉर दैट एग्ज़ाम्स आर अ मस्ट एंड दे मस्ट बी हेल्ड ऑन टाइम। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली? आपकी क्या पेरेंट्स की कुछ बात हुई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से? वेल, एज यू नो, इवन आई एम रनिंग अ स्कूल, यस, एंड बिलीव मी एज अ टीचर, सी आई एम फ्रॉम टाइनी टॉट स्कूल, वी हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड एंड आई बिलीव टीचर्स हैव वर्कड मच मच हार्डर देन व्हाट दे वर डूइंग अर्लियर।
See, earlier, the school was limited to 6 hours or 7 hours at the most. But now, with COVID, teachers have been taking classes almost throughout the day. My teachers were taking classes even at 7 in the evening, 8 in the evening. And we were working round the clock to ensure that each and every child got his or her proper education. And he had all the learning things that needed that were needed by any child. So we did work very hard. आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि 6 hours का पहले जो है एक टाइम पीरियड होता था टीचर्स का, आप तो वो कई बच्चे रात को 10 बजे भी 11 बजे भी या सुबह अर्ली आवर्स में कॉल करते हैं टीचर्स को, तो टीचर्स का एज ए क्योंकि आपका स्कूल चलता है तो टीचर भी एक दबाव में हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी दबाव में है। यस, टीचर्स पे बहुत दबाव है। देखें, पहले वो सिर्फ अपने काम के लिए जाते थे 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, लेकिन आज क्या है, टीचर सुबह से लेकर रात तक बच्चों के लिए आंसरेबल है। बच्चे कभी भी टीचर को कॉल कर सकते हैं, यहाँ तक कि मैंने भी अपना नंबर बच्चों को दिया हुआ है और उनको इजाज़त है कि वो रात के 11 बजे तक भी मुझे कॉल कर सकते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो। अच्छा, आपको लगता है कि जो CBSE ने ये डिसीजन लिया, इससे पहले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, उनसे भी बात होनी चाहिए थी? सी, आई एम डेफिनेटली श्योर कि पेरेंट्स ने भी गवर्नमेंट पे, अथॉरिटीज़ पे दबाव दिया होगा। कुछ पेरेंट्स ने जहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन किए जाएं या कोई ऐसी टेक्निक निकाली जाए, ऑनलाइन पेपर्स लिए जाएँ, बट यू सी एवरीवेयर द सिचुएशन इज़ नॉट द सेम। There are, even last time, there were exams were held in 2 different stages. The same thing could have been done now. In the areas which were highly contagious or which had a lot of COVID load, there the exams could have been postponed for some time. But in the rest of the places, the exams should have been and should be still held on schedule. बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बच्चों के लिए तो काफी नुकसान है इसका कि बच्चों को जो exam देके clear होती है बात, वो ऐसे नहीं होती है, ऑनलाइन से नहीं होती है। इसलिए बच्चों के एग्ज़ाम तो ज़रूरी थे, पर ये भी देखते हुए गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिए हैं वो बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है, क्योंकि ये स्प्रेड बहुत हो रहा है, ये हम भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, पेरेंट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाएंगे एज ए पेरेंट, और जब स्कूल में जो टीचिंग कम्युनिटी होगी वो भी इफेक्टेड होगी, क्योंकि बच्चे बाहर से घूम के जाएंगे। तो ये डिसीज़न बहुत अच्छा है कि इन्होंने पोस्टपोन किए हैं, अभी रद्द नहीं किए हैं, पोस्टपोन ही किया है। तो ये हायर अथॉरिटीज देख लेंगे कि कैसे इसको, कैसे किस इंजाम तक लिया जाता है। जो जैसे बच्चे आजकल जो है इसका फ़ायदा नहीं उठाते, वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, वो एक चिंताजनक बात है। हाँ, चिंताजनक बात तो है, लेकिन पेरेंट्स को उसको थोड़ा देखना चाहिए। अगर पेरेंट्स उसके साथ, बच्चों के साथ इंटैक्ट रहेंगे, तो ये ऐसी बात नहीं है कि वो ज़्यादा गलत साइड पर जाएंगे, बच्चे अच्छा ही करेंगे। आप एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को ये किस तरह की एडवाइस देते हैं इस वक्त के, वो टाइम किस तरह से डिवोट करें आप? वो स्टडीज़ की तरफ डिवोट करें, बुक्स तो उनके पास हैं, गाइडलाइंस जो टीचर्स ने दी हैं वो भी उनके पास हैं, तो उनको देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी स्टडीज़ की तरफ कंसंट्रेट करें। एंट्रेंस भी उन्होंने देने हैं, 12th के बाद एंट्रेंस वगैरह भी उन्होंने देने हैं, तो कंसंट्रेट है। घर में भी स्टडी की जाती है, मटीरियल उनके पास सारा दिया हुआ है, टीचर्स ने सब प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो कर सकते हैं। ये हाँ जी जी जी, हर समय उनके लिए तैयार हैं, जो भी कोई उनको प्रॉब्लम पड़ती है वो उसके लिए। तो आप एज ए पेरेंट्स आप इसे खुशामदीन कदम मानते हैं, सही कदम मानते हैं? CBSE स्कूल है, उसका CBSE कोर्स था, 10वीं में उसने पेपर देने थे, लेकिन जो सेंट्रल वालों ने पेपर कैंसिल कर दिए हैं। बीइंग ए पेरेंट, मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे की कैपेबिलिटी है वो शो होनी चाहिए। वो 95 वाला भी हो सकता है, वो 60 वाला भी हो सकता है, वो 40 वाला भी हो सकता है। मैं खुद अपने बेटे की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं था, थोड़ा बड़ा पढ़ रहा था, है इंटेलिजेंट है, लेकिन मतलब कि निगलेक्ट कर रहा था अपनी स्टडीज़ को। जी, बिल्कुल। और आज इस एक जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि पेपर कैंसिल किए जाएँ और बच्चों को मार्क्स प्रमोशन दी जाए, मार्क्स प्रमोशन में क्या होगा? मार्क्स प्रमोशन में बच्चा 95 वाला 60 वाला और 40 वाला एक लेवल पे आ गए हैं, जो कि बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। मुझे बताएं जी, ऑनलाइन स्टडीज़ भी बच्चों को जो है वो करवाई गई, हालांकि पैसा आपने खर्चा स्कूल में, जो फीस है, ट्यूशन फीस है, तो ऐसे में एक तरह से कितना इफेक्ट पेरेंट्स हुए हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या बच्चा पढ़ रहा है, उसमें भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं निकली है बच्चों की। हाँ, ऑनलाइन की बजाय चाहते हैं कुछ
गवर्नमेंट को चाहिए था एक सिस्टम बनाना, एक क्लासेस पूरा एक साल बच्चों का वेस्ट हो गया, इसके बजाय वो एक सिस्टम बनाते उसमें जिसके अंदर वो क्राइटेरिया रखता है कि आज इतने बच्चे हैं, अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 15 बच्चों की एक हफ्ते की क्लास, 15 बच्चों की दूसरे क्लास। स्कूल में जाने से ये होता कि बच्चा थारोली पढ़ता, घर में बच्चा बैठ के क्या पढ़ेगा, ऑनलाइन एक घंटे की क्लास अटेंड करेगा, उसके बाद क्या करेगा, बच्चे के पास टाइम ही टाइम है, वो मोबाइल पे खेलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। और मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, एक साल से मोबाइल पे किया, खुद मेरा बेटा भी मोबाइल पे खेल रहा है, जिस वजह से मैं बहुत ही परेशान था, पर क्या कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि जो COVID-19 पैंडमिक के चलते बच्चों को इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए और घर में जो है रिलक्टेंट होने के बजाय पढ़ाई पे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे जोर देना चाहिए, देना चाहिए जी। किस तरह से पेरेंट्स उसमें हेल्प कर सकते हैं? पेरेंट्स तो करते हैं, लेकिन ये बच्चे को देखना चाहिए कि वो इसका कैसे यूटिलाइजेशन करता है। ठीक, देखिए ऐसा है कि जैसे आज की डेट में बच्चे को स्कूल भेजना भी तो एक रिस्क है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उससे चलो एक तो गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया, बट आप देखिए कि जो बच्चों ने तैयारी की थी पेपर्स की, वो पेपर नहीं हो पाए। अब कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है कि मैंने 98% नंबर लाने थे, अब उसके हिसाब से अगर वो मार्किंग करते हैं तो किस हिसाब से करते हैं वो अभी तो वो स्कूल वाले देखेंगे या बोर्ड देखेगा या CBSE का बोर्ड देखेगा, ठीक है ना। प्लस ये है कि बच्चों को देखो पेरेंट्स ने इतना पैसा, एक तो स्कूल वालों को फीस दी, सब ने दी, पेरेंट्स एसोसिएशन ने बहुत सारे सवाल उठाए कि जी फीस नहीं देंगे, ये नहीं होगा, नहीं दो नहीं दो, आखिर तो हर स्कूल ने फीस ली और पेरेंट्स ने दे दी, दी ही दी है। कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिस पेरेंट्स ने बच्चे की फीस स्कूल में नहीं दी है, दी है, ठीक है। अगर बच्चा ट्यूशन भी पढ़ रहा है, ट्यूशन पे भी खर्च किया है, वो भी खर्च किया है, वो भी पैसा खर्च किया, माँ बाप के ऊपर बर्डन बना है, वो भी कोविड चलते हुए, ठीक है ना। तो अब इसके हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट जो सोचेगी वो तो ठीक सोचेगी, क्योंकि बच्चों का मसला है, बच्चों की सेहत का मसला है, बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए। अगर किसी पेरेंट्स का, अगर हमारा बच्चा अगर कल को बीमार पड़ जाता है तो परेशानी तो पेरेंट्स को ही आएगी। तो गवर्नमेंट जो सोचती है वो ठीक सोचती है अपने हिसाब से, ऐसा बात नहीं है कि नहीं गलत सोची है। एक तो ऑनलाइन स्टडीज़ जो है वो करवाई जाती हैं बच्चों को, दूसरी तरफ जो बच्चे भी रिलक्टेंट हो जाते हैं, इतना ध्यान नहीं रखते हैं पढ़ाई का, आप मानते हैं कि ये भी एक नुकसान है? देखो जो ऑनलाइन पढ़ाई का है उसमें आप देखोगे जो भी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करा रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये 30% बच्चे भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते होंगे, नहीं करते जी। अगर कोई करता भी है बीच में सिग्नल टूट जाता है हर जगह, मतलब के बच्चे का जो सिग्नल है घर का सिग्नल आता है वो सही नहीं होता है, कहीं सिग्नल कम हो जाता है, किसी के पास मोबाइल हाई रेंज का है वो कवर कर जाता है या कर भी लेगा, कहीं किसी बच्चे के पास अगर छोटी रेंज का मोबाइल है वो रेंज नहीं पकड़ पाता है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा ऑनलाइन? कोई भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है, उसके अगेंस्ट माँ बाप ने बच्चों को ट्यूशन्स लगा के रखी हुई हैं कि हमारा बच्चा वहाँ से कवर नहीं करेगा, चलो ट्यूशन से कवर करेगा। अल्टरनेट बच्चों का जो भी वर्डन है वो माँ बाप के ऊपर डबल पड़ रहा है। एक कुलदीप जी एक और बात है कि एज ए पेरेंट्स मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अब पेरेंट्स ये भी समझने लगे हैं कि जैसे कईयों ने प्राइवेट स्कूल्स में डाला है अपने बच्चों को और वहाँ पे फीसिस बहुत ज़्यादा हैं, हालांकि फिज़िकल क्लास होती नहीं है। अब वो कई पेरेंट्स से हमने बात की, वो ये सोचने लगे हैं कि हम सरकारी स्कूल में रखकर अगर ट्यूशन में ही पढ़ाना है फिर सरकारी स्कूल में रखकर फीसें क्यों ना कम दी जाएँ। देखो ऐसा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आज से कुछ साल पहले तो सारे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे जी। हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाऊँ, बट तब ये होता था कि प्राइवेट स्कूल कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है, और प्राइवेट स्कूल इतने ज़्यादा थे भी नहीं, जो थे वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज की डेट में ये है कि आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो मैं देखता हूँ कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ेगा भाई। चल यार मैं अपने बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, खाना कम खाऊँगा लेकिन बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेता हूँ। नंबर दो के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा के इसलिए राजी नहीं है कि गवर्नमेंट, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो ना के काबिल हैं इस टाइम,
क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल की तरफ गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। जहाँ टीचर लगा है एक स्कूल में, अगर आज से 10 साल पहले उसी स्कूल में 500 बच्चा हुआ करता था, आज वहाँ पे 50 बच्चे रह गए हैं। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे साफ सफाई नहीं, स्कूल की मेंटेनेंस नहीं है, टीचर भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। आपको लगता है कि टीचर वहाँ ध्यान नहीं देते? इसके अलावा क्योंकि गवर्नमेंट सोचती है, इसके टीचर सोचते हैं कि मुझे गवर्नमेंट सैलरी तो मिल ही जाएगी, मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, स्कूल जाऊँ या ना जाऊँ। अगर चार टीचर हैं तो एक कहता है यार मैं कल नहीं आऊँगा, तू आ जाना, देख लेना यार मेरी क्लास भी देख लेना। अब हर तो गवर्नमेंट स्कूल में तो हर बंदा कोई चेक करने के लिए तो जाता नहीं है, तो उस हिसाब से बच्चा वहाँ पर पढ़ नहीं सकता है, जिसकी वजह से कि ये सारे रीजन्स हैं कि हर बंदा, हर इंसान चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। अगर जितनी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स देती हैं, अगर यही फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट स्कूल में हो जाए तो हर बंदा पढ़ाना चाहेगा गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, इसके साथ साथ एक आखिरी सवाल ये होगा कि एज ए पेरेंट्स आप समझते हैं जो बच्चों की फिज़िकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, सारा दिन मोबाइल पर रहते हैं, वो एक बड़ी चिंता है? ये तो बहुत बड़ी चिंता है। देखो हर हर बच्चे के पास इस टाइम मोबाइल है, अगर पेरेंट्स के पास बच्चे के पास अपना नहीं होगा तो पेरेंट्स का ले लेंगे वो। घर में उनको अब 24 घंटे तो उनको पढ़ने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हो। आज की डेट में बच्चे ने ये खुद देखना है कि मुझे कितना पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। देखिए जहाँ तक बच्चों का सवाल है, एक पर्सनल डिसीजन इसमें नहीं लिए जाते हैं, ये कलेक्टिव बातें होती हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन पर जो बैठा होता है उसने एक छोटे से छोटे गरीब बंदे से लेकर अमीर से अमीर बंदे तक सबके बारे में बराबर उसने जो है वो वहाँ डिसीजन लेना होता है। उस डिसीजन को लेते हुए मैं तो समझता हूँ ये अच्छा डिसीजन है, क्योंकि सभी लोग इस सैनिटाइजेशन का खर्चा भी नहीं उठा सकते और ना ही वो इंडिविजुअली बच्चे को वहाँ ले जा सकते हैं कि बच्चे प्रोटेक्ट हो सकें, क्योंकि बच्चा जब घर से निकल जाता है तो उसको कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाता है। बच्चा सामने सामने तो बात मानता है, लेकिन इस उम्र में वो ना समझ होते हैं और वो अपने कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिसमें वो इसका पालन नहीं कर पाते हैं। हम भी जब बच्चे जहाँ आते थे स्कूलों में देखते थे, तो बाहर ना चाहते हुए भी बच्चे जो है वो इकट्ठे आपस में मिल जाते हैं, हैंडशेक कर लेते हैं, गले मिल जाते हैं, वहाँ उनको रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो हम फिर जो है रिस्पांसिबिलिटी जो है वो मुझे बताएं कि आपके जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन स्टडीज करते होंगे, तो एक पेरेंट्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग बन चुका है टास्क। देखिए जब आपको किसी नए दौर से निकलना होता है तो चैलेंज तो बनता है, तो उस चैलेंज को हमने, इंसानियत तो यही कहती है कि हम अपने आप को अच्छे वे में उस दौर से गुजरें, और उस दौर से गुजरने के लिए अगर हमें एक अच्छा वे मिल रहा है, चाहे वो डिफ़िकल्ट है, चाहे वो ऑनलाइन डिफ़िकल्ट है, बच्चों के लिए समझना मुश्किल है, उसमें पेरेंट्स का काफ़ी रोल है कि पेरेंट्स किस तरह से उसको बच्चे को समझा रहे हैं कि आपने किस तरह से उसको अटेंड करना है, कितना अटेंड करना है, फ़ोन को फिर बाद में ना दे बच्चे को, ये तो पेरेंट्स ने देखना है। अब ये इसमें आप उसको रिस्पांसिबिलिटी दे दें कि नहीं जी बच्चे को फ़ोन दे, बच्चे ख़राब हो गए, तो उसमें रोल पेरेंट्स का ज़्यादा, पेरेंट्स का एज ए पेरेंट्स आपका रोल बढ़ गया है इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया है, क्योंकि इस समय जो है सरकार या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पर बैठा हुआ है वो इंडिविजुअल को नहीं देख सकता, तो पेरेंट्स अपने बच्चे की अगर नहीं देख पाते हैं तो सरकार कैसे देख पाएगी। तो इसलिए पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है, किसी भी समाज को आगे जाना है, सोसाइटी को आगे जाना है, तो इंडिविजुअल का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम इंडिविजुअल का रोल नहीं प्ले करेंगे, वो नेशंस वो सोसाइटीज़ हमेशा जो है वो नीचे ही फाल करती हैं, वो आगे नहीं जा सकती। अगर आगे आपको बढ़ना है तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है उसके साथ हमने हाथ से हाथ बढ़ाते हुए उनको हेल्प करनी है और उसको सक्सेसफुल करना चाहिए। तो एज ए पेरेंट्स इनका कहना है कि पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ये कलेक्टिव डिसीजन है सभी के लिए, और इसमें जो है मकसद यही है कि बच्चों की सेहत जो है वो ठीक रहे और इस पैंडमिक को फैलने से रोका जा सके। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।